आज का टॉपिक अपना एरर पर शुरू करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट डेट के साथ एरर करते हैं इसको अपने, और कुछ मैंने उदाहरण दिए यहाँ पर देखते हैं अपने। फर्स्ट लाइन से इधर पेंस विल वर्क, ठीक है, इसमें आपको एरर दिखाई देगी। इधर आ गया, ठीक है, पेंस आ गया, ठीक है, विल आ गया, चलो पेंस आपका और वर्क आ गया। तो इसका मतलब देखो, ये पेंस है, ये क्या है, एरर है, ठीक है। आपके ऐसे दिया होता है बैंक के अंदर, आपको कौन सा है, बीसीडी कौन सा गलत है, ठीक है। तो क्या है, पेंस का गलत है, कारण क्या होता है, देखो मेरे इधर कुछ लिखा हुआ है, देखो कि इधर के साथ में से क्या है, सिंगल नाउन आती है, यानी जो इधर होता है किसके साथ है, सिंगल नाउन आती है। और अगर मान लो बाई चांस इधर ऑफ आ जाए, देखो थोड़ा सा इसमें चेंजिंग है थोड़ी सी, ये तो आपने समझ लिया, सिंगल नाउन ऑफ आ जाता है, समझ सके, प्लूरल नाउन आती है, ठीक है ना, यानी इधर के साथ हमेशा क्या आती है, सिंगल नाउन आती है, और इधर ऑफ के साथ हमेशा क्या है, प्लूरल नाउन आती है। तो अपनी एरर कौन सी है, मतलब क्या कई बड़ी एरर है, सिंगल नाउन हो, यानी पेन सही होगा, ठीक है, फिर अब क्या है, कॉमन नाउन है, जातिवाचक संज्ञा। अगला भी है, इधर चिल्ड्रन कैन बी अडॉप्टेड, देखो आपको भी सही लग रहा होगा कि इधर चिल्ड्रन है, ठीक है, जिंदगी मैंने आपको बताया था, इधर बात क्या होता है, सिंगल नाउन आती है। तो कई बार क्या होता है, अपने इसको सिंगल मान लेते हैं, ठीक है ना, कुछ बच्चे होते हैं वो कहते हैं कि ये चिल्ड्रन सिंगल है, और क्या चिल्ड्रन क्या है, ये प्लूरल, लेकिन ये गलत है, ठीक है, ये चिल्ड्रन क्या है, अपने आप में क्या है, प्लूरल है, इसका सिंगल होता है चाइल्ड, ठीक है ना, तो ये क्या गलत हो गया, तो इसका मतलब क्या, आपके नाउन सिंगल आओगे तो यहाँ पर क्या आएगी, चाइल्ड आएगा, ठीक है ना, क्या आएगा, चाइल्ड, यहाँ तक क्या है, ये सिंगल है, और चिल्ड्रन होगी क्या होगी, ये प्लूरल हो गया। तो आपको समझ आ गया होगा, ठीक है ना, यानी क्या मतलब है, इधर आ जाए क्या, वैसा क्या है, नाउन क्या सिंगल आती है, अगर इधर ऑफ आता है तो नाउन क्या आती है, प्लूरल आती है। अगर आपका क्या है, इधर ऑफ दीज गर्ल कैन हेल्प यू, तो आपको गलती पकड़ में आ गई होगी कि आपका इधर ऑफ आ गया, ठीक है, तो उसके बाद अगर नाउन कौन सी, तो नाउन है नहीं, ठीक है, अगर आपको नाउन नहीं होती, ठीक है, नाउन कौन सी, ये नाउन है, तो ये क्या सिंगल है, मतलब ये गलत है, क्या आएगा, गर्ल्स आएगा, पता लग रहा है ना, मतलब क्या, इधर इकल आ जाए उसके बाद नाउन आती है, सिंगल आती है, अगर इधर ऑफ आ जाए तो उसके बाद नाउन क्या आती है, प्लूरल आती है, बस ये गलती है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। तो सुबह क्या क्या होगा, इधर ऑफ दीज गर्ल्स कैन हेल्प यू। अगला वाक्य है, बोथ हिज डॉटर इज ब्यूटीफुल, कि उसकी दोनों डॉटर क्या है, खूबसूरत है। तो इसके अंदर भी देखो गलती है, डबल गलती इसके अंदर, देखो इधर लिखा हुआ कि बोथ, इसके साथ हमेशा क्या है, प्लूरल नाउन यूज होती है, तो बोथ आ जाए उसके बाद क्या, अपने नाउन सिंगल नहीं कर सकते, किसी कंडीशन में नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे अपने, तो एक तो डॉटर है तो इसको डॉटर्स करेंगे, ये गलत होगा, ठीक है, एक बोथ के साथ जो हैप्पी ब्रो होती है या मेंबर होती है वो क्या प्लूरल ही आती है, सिंगल नहीं आती, तो ये भी क्या गलत है, तो यहाँ पर क्या आएगा, डॉटर्स आएगा, और यहाँ पर क्या आएगा, आर आएगा, ध्यान रखना, ठीक है ना, ये बोथ के साथ जो होता है आपकी नाउन भी प्लूरल आती है और हैप्पी ब्रो भी क्या आती है, प्लूरल आती है, इसको क्या होगा आपका, बोथ हिज डॉटर्स आर ब्यूटीफुल। ओके, आई हैव मेट बोथ ऑफ योर फ्रेंड, तो यहाँ पर आपको शुद्ध लग रहा होगा कि मैं उसके मित्रों से मिला, ठीक है, दोनों मित्रों से मिला, ठीक है, यहाँ पर तो गलत है कि चलो वहाँ बीच में बहुत आ गया, ठीक है, इसके बाद नाउन देखें, नाउन कौन सी, ये तो नाउन है, ठीक है, नहीं तो प्रपोजिशन है, ठीक है, ये आपका प्रोनाउन है, तो नाउन कौन सा, आपकी फ्रेंड नाउन है, तो ये क्या सिंगल दी हुई थी, क्या गलत है, क्योंकि बहुत आगे चाहे बीच में आए आगे आए, ठीक है, इसके बाद नाउन क्या प्रूव ली जाएगी, तो यहाँ पर शुद्ध क्या होगा, फ्रेंड्स, फ्रेंड्स शुद्ध होगा, आई हैव मेट बोथ ऑफ योर फ्रेंड्स। अगला वाक्य है, देयर आर वेरियस बुक इन सिटी लाइब्रेरी, तो इसके अंदर भी आपको लग रहा है मिस्टेक नहीं है, इसके अंदर भी मिस्टेक है, देयर आर वेरियस बुक इन सिटी लाइब्रेरी, देखो एक वेरियस शब्द आपको ये पकड़ना है, इसके जाम वेरियस शब्द से इसके बाद मिशन या नाउन क्या होती है, प्लूरल आती है, यानी वेरियस वर्ड आ जाए इसके बाद नाउन क्या होगी, प्लूरल आती है, मतलब ये बुक गलत है, यहाँ क्या आएगा, बुक्स आएगा, बुक क्या गलत क्या है, यहाँ पर बुक्स है, ठीक है, यानी क्या मतलब है आपके भी इधर ऑफ आ जाए, ठीक है, बोथ आ जाए या वेरियस आ जाए, ये तीन शब्द है जो आ जाए इसके बाद नाउन क्या आपकी प्लूरल आती है, ध्यान रखना। तो सुबह क्या होगा आपका, देयर आर वेरियस बुक्स इन सिटी लाइब्रेरी। अगला वाक्य है, आउट्स फ्लू इन द नाइट, ठीक है, तो ये वाक्य में कोई गड़बड़ नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी इसको क्या प्राकृतिक रूप से अशुद्ध माना जाता है। देखो बाकी लिखी मतलब आउट से जो उल्लू होते हैं वो रात में क्या उड़ते थे, ठीक है, तो हिंदी से इसके लिए इसको भी अशुद्ध मानते हैं, कारण क्या है, पिछले के रात उल्लू रात को उड़ते थे, मतलब अब नहीं उड़ते, अब भी उड़ते हैं ना, तो ऐसे बातों में हमने क्या है प्रेजेंट इंडेफिनिट में लेते हैं, या बाकी का पास्ट लगे, पास्ट नहीं, क्योंकि क्या एक यूनिवर्सल ट्रुथ वाला वाक्य है कि जब पहले उड़ते हैं अभी क्या रात को उड़ते हैं, तो यहाँ पर अपने फ्लू ही लगाएंगे, वैसे तो सही है, लेकिन ये इसको गड़बड़ देते हैं, बाकी फ्लाई आएगा, ठीक है, तो सुबह क्या होगा आपका,
owls fly in the night, कि उल्लू रात्रि को उड़ते हैं, ना कि उड़ते थे, मतलब नहीं उड़ते, समझ लो वो नहीं उड़ते, ये गलत आएगा। सही होगा owls fly in the night, बी उल्लू क्या है रात्रि को उड़ते हैं। चलो ओके, ही इज गोइंग आउट फॉर ए वॉक एवरी डे, तो इसके अंदर भी लगता है ऐसे गलती नहीं, ही इज गोइंग वह जा रहा है ठीक है ना, बाहर जाता है फॉर ए वॉक मॉर्निंग पेपर देखने, लेकिन इसके अंदर भी क्या गलत है, कारण क्या है, एडवर्ब आ गया इसके अंदर, एडवर्ब का कारण ये टेंस फॉर्म है, देखो ये आ गया एडवर्ब एवरी डे, ठीक है, ये जो एडवर्ब आ जाती है ना, एडवर्ब आ जाती है, ये एडवर्ब दर्शाती है प्रेजेंट इंडेफिनिट को, थोड़ी ध्यान रखना, ठीक ना, एवरी डे आपके यहाँ पर एडवर्ब आ गई, जो ये एडवर्ब होती है ना एवरी डे हो गया ठीक है ना, एवरी वीक हो गया ठीक है, जो ये एडवर्ब होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट दर्शाती है, और अपने हैपन लगा दी प्रेजेंट कंटिन्यूस, गलत हो गया ना, तो यहाँ पर आएगा ही गोज आएगा, ठीक है ना, ही गोज टू, कारण क्या है, सिंगल तो अपने गो नहीं लगाएंगे, गोज लगाएंगे, तो सुबह क्या होगा आपका, He goes to out for a walk, ठीक है ना, आपको ऐसे दे देगा पेपर में किस प्रकार दे देगा, काटे मार्किंग ए बी सी या क्या चार पांच टाइप बना देते हैं पेपर में, इस प्रकार ठीक है, कौन सी गलती है, ए वाला है बी वाला सी वाला डी वाला, तो ऐसे गलती होगी, ठीक है, आपने देखना है बाकी उसको चेक करना है, बाकी आपको सही लगेगा कि पीछे एडवर्ब के कारण क्या बाकी में गड़बड़ होगी, जो एडवर्ब है वो दर्शाती है ये प्रेजेंट टेंस होना चाहिए, तो ये आपके हैप्पी में होगा, और मैंने मेन को लगा दी प्रेजेंट करने की गलत होगी ना, क्या आएगा गो जाएगा, सुबह क्या होगा, ही गोज टू आउट फॉर ए वॉक एवरी डे, ठीक है, ये कुछ इंपोर्टेंट रूल थे, अब रूल पढ़ लेना और इसको ढंग से क्या करना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना।